हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम डैड एंड द कैट एंड द ट्री पोम की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन द ट्री। द नरेटर्स डैड डिसाइडेड दैट ही विल इजली बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। एक सुबह एक बिल्ली पेड़ में फंस गई। नरेटर जो हमें ये पोएम बता रहे हैं, पोएट, उनके डैड ने डिसाइड किया कि वो इसे इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से टेक केयर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नरेटर्स फादर डिसाइडेड टू क्लाइम द ट्री। तो नरेटर के फादर ने डिसाइड किया कि वो पेड़ पे चढ़ेंगे। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। हिज वाइफ वॉर्न्ड हिम दैट ही माइट फॉल। पर उनकी वाइफ ने, बीवी ने बोला कि वो गिर भी सकते हैं पेड़ से। बट इग्नोरिंग हर वार्निंग्स ही क्लाइम्ड द लैडर, स्लिप्ड एंड फेल। पर उनकी जो वार्निंग्स को उन्होंने नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, वो चढ़े लैडर पे, सीढ़ी पे चढ़े, फिसले और वो गिर गए। हैविंग फॉलन वंस ही थॉट ऑफ ट्राइंग अगेन। एक बार गिर जाने के बावजूद उन्होंने दोबारा करने का ट्राई किया, अनदर वे, दूसरी तरीके से। येट अगेन इग्नोरिंग हिज वाइफ्स वार्निंग ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच। द ब्रांच ब्रोक एंड अगेन ही फेल। इस बार भी उन्होंने अपनी वाइफ की वार्निंग को इग्नोर किया और उन्होंने अपने आप को एक ब्रांच के ऊपर छलांग लगाई। उन्होंने जो ब्रांच थी वो टूटी और वो दोबारा से गिर गए। नॉट गिविंग अप स्टिल द फादर क्लाइम्ब्ड अप द गार्डन वॉल। इस बार भी वो हार नहीं मान रहे थे। गिविंग अप का मतलब होता हार माना। नॉट गिविंग अप का मतलब होगा वो हार नहीं माना अभी भी उन्होंने। तो इनके जो फादर थे वो गार्डन की दीवार पे चढ़ गए। लकीली दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल। और इस बार उनके लक ने साथ दिया, वो भाग्यशाली रहे और इस बार वो नहीं गिरे। हाउएवर द मोमेंट ही स्प्रैंग ऑन टू द ट्री द कैट जम्प्ड टू द ग्राउंड सेफ एंड साउंड। हालांकि जिस क्षण उन्होंने पेड़ पे छलांग लगाई और उसी समय जो बिल्ली थी वो ज़मीन पे बहुत सेफ एंड साउंड, यानी कि बहुत सुरक्षित ढंग से ज़मीन पे आ गई थी। पुअर फादर ऑन द अदर हैंड गॉट स्टक इन द ट्री। बेचारे फादर दूसरी तरफ पेड़ में खुद फंस गए। स्टैंजा वन। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक ऑन इन आर ट्री। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। इस सुबह जो बिल्ली हमारे पेड़ पे अटक गई, पापा ने कहा ठीक है बस इसको मेरे पर छोड़ दो। रेफरेंस दी अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम किट राइट्स पोम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। जो स्टैंजा की जो लाइन ली गई है, ये किट राइट्स इनके पोएट हैं, नरेटर हैं, जो हमें ये पोएम बता रहे हैं। और ये पोएम का नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। कॉन्टेक्स्ट द पोएट शोकेसेस हाउ द नरेटर्स फादर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद द कैट। पोएट हैं जो नरेटर हैं, जो हमें ये पोएम बता रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके जो फादर हैं वो किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जो सिचुएशन अभी कैट के साथ हुई है वो, और वो उसको किस तरह से डील कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन द नरेटर डिस्कसेस दैट वन मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन द ट्री। हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही विल मैनेज टू ड्राइव अवे द कैट। तो नरेटर हमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक सुबह जो बिल्ली पेड़ में जो फंस गई थी, उनके पापा ने बोला कि वो उसको मैनेज करेंगे और बिल्ली को वहाँ से भगा देंगे। स्टैंडर्ड टू The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. जो पेड़ था बहुत ही हिलता डुलता था, बहुत कमज़ोर था और पेड़ लंबा भी था। मम्मी ने कहा भगवान के लिए प्लीज़ आप गिरना मत। Explanation: Since the tree was unstable, the narrator's mother was full of doubts as to how easy would it be for her husband to climb the tree. क्योंकि जो वो पेड़ था वो अनस्टेबल था, हवा के झोंके से बहुत ज़्यादा हिल रहा था। और नरेटर की जो मॉम थी, उनको वो बहुत सारे डाउट्स थे उनके माइंड में, शंका थी बहुत ज़्यादा कि जो उनके हस्बैंड है वो पेड़ पे कैसे चढ़ेंगे। देयरफॉर शी वॉर्न्ड हिम दैट ही माइट फॉल। और इसलिए उन्होंने वॉर्न किया उनको कि वो गिर भी सकते हैं। स्टैंजा थ्री। फॉल स्कॉप्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी। गिरूंगा मैं, एक मेरे जैसा क्लाइंबर गिरूंगा। क्लाइंबर का मतलब होता है जो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ पर चढ़ जाते हैं। तो पापा ने बोला गिरूंगा मैं, मेरे जैसे क्लाइंबर गिरेगा, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, आप बस इंतज़ार करो और देखो। एक्सप्लेनेशन लिसनिंग टू हिज वाइफ्स वार्निंग्स द नरेटर्स फादर वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। वो अपनी वाइफ की जो वार्निंग्स मिल रही थी, जो उनके फादर थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ही डिसमिस्ड अवे दीज वार्निंग्स। और उन्होंने इन जो वार्निंग्स थी उनको अनदेखा कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मान रहे थे वो इस वार्निंग्स को। By saying that he was a good climber, और वो ये भी कह रहे थे कि बहुत ही अच्छे तरह क्लाइंबर है, किसी भी चीज़ पर अच्छा आसानी से चढ़ जाते हैं। And climbing the tree was as easy as a child's play. और पेड़ पे चढ़ना तो सिर्फ बच्चों का खेल था, ये कहना था नरेटर के फादर का। Stanza 4. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed.
फिर उन्होंने जो गार्डन की शेड एक जगह होती है जहाँ पे हम स्टोरेज का सामान रखते हैं और फालतू सामान रखते हैं, वहाँ पे औजार भी रखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने लैडर निकाला, सीढ़ी निकाली, सीढ़ी फिसली और वो सीधे फूलों की क्यारियों में गिर गए। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर्स फादर ब्रिंग्स आउट अ लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। जो नरेटर के फादर हैं गार्डन शेड में से उन्होंने सीढ़ी निकाली, बट इट स्लिप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड, और सीढ़ी फिसल गई और फिर से फादर जमीन पे दोबारा से आ गए। स्टैंडर्ड 5, नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और जो उनके कपड़े पे, जो उनके बालों पे जो डर्ट लगे थे, धूल लगे थे, उनके फेस पे जो धूल लगे थे, उनके पैंट पे और शर्ट पे धूल लगे थे, उन्होंने उसको ब्रशिंग किया, हाथ से हटाया। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर्स फादर ब्रशेज ऑफ द डर्ट फ्रॉम हिज हेयर एंड क्लोथ्स, क्लीन्स हिज फेस एंड बिगिन्स टू थिंक अबाउट अनदर प्लान टू ड्राइव अवे द कैट। इस दोबारा से नरेटर के फादर ने अपने बाल से, क्लोथ, अपने चेहरे को साफ किया और वो उस पर लगे धूल को ब्रश ऑफ किया, यानी कि साफ किया उन्होंने, और फिर से वो दूसरा प्लान सोचने लगे कि वहाँ से कैट को कैसे ड्राइव अवे करें, कैसे भगाया जाए वहाँ से। स्टैंजा 6, विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम से डोंट फॉल अगेन, ओके। फिर पापा कह रहे हैं हम प्लान बी ट्राई करेंगे, मेरे रास्ते से सब लोग हट जाओ। फिर मम्मी ने कहा अब दोबारा गिरना मत, ओके। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर्स फादर डिसाइड्स टू ट्राई प्लान बी। नरेटर के फादर ने प्लान बी को डिसाइड किया ट्राई करने के लिए। हिज वाइफ हाउएवर अगेन वॉर्न्स हिम दैट ही माइट फॉल अगेन, और फिर से उनकी वाइफ उनको वॉर्न कर रही है कि आप दोबारा से गिर सकते हो। स्टैंजा 7, फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। दोबारा मैं गिरूंगा, क्या मजाक कर रहे हो आप सब। फिर उन्होंने अपने आप को एक शाखा पे छलांग लगा उन्होंने, और वो शाखा टूट गई। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर फादर म्यूजेस अवे हिज वाइफ्स वार्निंग, और इस बार नरेटर के फादर फिर से अपनी वाइफ की जो वार्निंग है उसको वो अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। स्टिल लाफिंग, और वो अभी भी हंसी रहे। ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच बट द ब्रांच ब्रोक एंड ही अगेन फेल ऑन द ग्राउंड, और फिर से उन्होंने अपने आप को एक ब्रांच पे छलांग लगाई उन्होंने, पर वो ब्रांच टूट गई, वो शाखा टूट गई और फिर से वो जमीन पे आ गिरे। स्टैंजा 8, डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। फिर से जो डैड हैं वो वेल अप का मतलब होता है किसी भी चीज पे ज़्यादा तेज़ी से ठोकर मारना या फिर हिट करना, मारना। तो पापा फिर से ज़मीन पे बहुत बुरी तरह गिरे। बैक ऑन द डेक, मम्मी ने कहा अब रोक, अब इसे रोको, अदरवाइज आप अपनी गर्दन तोड़ लोगे। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर्स फादर अगेन फेल ऑन द ग्राउंड, जो नरेटर के फादर हैं वो दोबारा से ग्राउंड पे गिरे। द नरेटर्स मदर बेग्ड हिम टू स्टॉप, फिर नरेटर की जो मदर हैं, जो उनकी वाइफ हैं, नरेटर की जो मॉम है, उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की उनसे कि आप ऐसा मत करो अदरवाइज आपकी जो गर्दन है वो टूट जाएगी, फ्रॉम फॉलिंग अगेन एंड अगेन, आप क्योंकि बार बार गिर रहे हैं इस वजह से आपकी गर्दन टूट सकती है। स्टैंजा 9, रबिश सेड डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, ईजी एज विंगिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। इनके फादर ने बोला क्या बकवास है, अब हम प्लान सी ट्राई करते हैं और ये पलक झपकने के जितना आसान है, और मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर्स फादर देन डिसाइडेड टू ट्राई प्लान सी, तो नरेटर के फादर ने प्लान सी ट्राई किया। ही वॉज स्टिल कॉन्फिडेंट दैट बींग अ ग्रेट क्लाइंबर ही वुड सक्सीड, और उनको इतना कॉन्फिडेंट था अपने पे कि उनको लगा कि उनके जैसा जो ग्रेट क्लाइंबर है वो उनको सक्सेस जल्दी मिलेगी। स्टैंजा 10, देन ही क्लाइंबड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। फिर वो गार्डन की जो ऊंची दीवार थी वो उस पर चढ़ गए, गेस व्हाट, आपको क्या लगता है, पर वो इस बार गिरे नहीं। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर्स फादर क्लाइंबड अप द हाई गार्डन वॉल एंड दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल, और वो अपने गार्डन वॉल पर चढ़े, बहुत ऊंची दीवार थी उस पर वो चढ़े, पर इस बार वो नहीं गिरे। स्टैंजा 11, ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। फिर उन्हें बहुत ऊंची छलांग लगाई, लीप का मतलब था बहुत ऊंची छलांग लगाना, और वो सीधे ट्री ट्रंक, जो पेड़ है उसकी शाखा पे सीधे वो गिर गए, और वो बिल्ली के ऊपर उन्होंने छलांग डायरेक्ट लगा दी। एक्सप्लेनेशन, द फादर विद अ ग्रेट लीप फाइनली लैंडेड ऑन द ट्री टॉप राइट ऑन द कैट। फादर ने बहुत लंबी छलांग लगाई और फाइनली वो ट्री टॉप, जो ट्री का जो ऊपरी भाग है उस पर लैंड किया उन्होंने,
और वो सीधे बिल्ली के ऊपर कूद पड़े। स्टैंडर्ड 12, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड प्लीज एज पंच टू बी सेफ इन साउंड। बिल्ली के, क्योंकि बिल्ली के ऊपर फादर कूद गए थे, तो बिल्ली चिल्लाई, येल का मतलब चिल्लाना, और वो सीधे ग्राउंड पे, जमीन पे सीधे उसने छलांग लगा दी। स्प्रैंग का मतलब था छलांग लगाना। प्लीज एज पंच टू बी सेफ इन साउंड, वो सुरक्षित जमीन पे आ गई। एक्सप्लेनेशन, द मोमेंट द फादर लैंडेड ऑन द कैट, जिस क्षण फादर बिल्ली पे लैंड हुए, द कैट स्क्रीम्ड विद फियर, और जो बिल्ली थी वो चिल्लाई डर के मारे, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और डायरेक्टली ग्राउंड पे आ गई। लैंडिंग स्मूथली ऑन द ग्राउंड इट सीम्ड कंटेंट विद इटसेल्फ, और वो आसानी से जमीन पे आ गए। स्मूथली का मतलब बहुत आसानी से, अच्छी तरह ढंग से ग्राउंड पे आ गए, तो वो अपने में संतुष्ट नजर आई। स्टैंडर्ड 13, सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, क्योंकि बिल्ली आराम से जमीन पे आ गए तो वो हंस रही थी और वो एरोगेंस में थी। स्मर्किंग का मतलब होता है एक चालाक भरी हंसी करना, ओके। पर बेचारे जो पापा थे वो पेड़ पे वो खुद अटक गए। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर डिस्क्राइब्स दैट हैविंग सेफली लैंडेड ऑन द ग्राउंड द कैट वॉज स्माइलिंग एरोगेंटली व्हाइल हिज फादर गॉट स्टक ऑन द ट्री। नरेटर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्योंकि अब बिल्ली जमीन पे सेफली लैंड कर गई है, एंड और जो बिल्ली थी वो एरोगेंटली स्माइल कर रही थी, घमंड भरी स्माइल कर रही थी, जबकि उनके पापा ट्री पे फंस गए थे। सो दिस वॉज वेरी ह्यूमरस पोम हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सारा फनी एलिमेंट्स है, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोम वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर लेसन लाइक दिस। Check out other video lessons by clicking on the video.